कांकेर शहर में शनिवार को दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक 70 साल का वृद्ध 12 साल की बालिका को डरा धमका कर एक सप्ताह से अपनी हवस का शिकार बना रहा था। उदयनगर वार्ड के अटल आवास में वृद्ध व्यक्ति द्वारा 12 साल की आदिवासी मासूम बच्ची को दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हुए पकड़ा गया। आरोपी सुलभ शौचालय में ही पीड़िता के साथ आपत्तिजनक अवस्था में पाया गया, जिससे लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया, लेकिन मौका पाकर वृद्ध वहां से फरार हो गया। मोहल्ले वासियों ने पुलिस को तत्काल इस बात की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुरूद व अभनपुर के बीच से उसे पकड़ लिया। आरोपी बस से जबलपुर भागने के फिराक में था। देर रात आरोपी को पुलिस थाना में लेकर पहुंची, जिसके बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वही घटना की जानकारी होते ही अटल आवास के साथ ही साथ शहरवासियों में भी आक्रोश व्याप्त हो गया। जानकारी के अनुसार अटल आवास में रहने वाले आरोपी राजकुमार शर्मा 70 वर्ष ने अपनी हवस की आग बुझाने के लिए 12 वर्षीय बच्ची को शिकार बनाया। शनिवार को सुबह आरोपी रामकुमार शर्मा बच्ची के साथ सुलभ शौचालय में अकृत्य कार्य कर रहा था, जिसे लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। बताया जा रहा है कि पीड़िता आरोपी के घर में टीवी देखने जाया करती थी। आरोपी पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करता रहा। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक लगातार एक सप्ताह तक पीड़िता बालिका को डरा धमका कर दुष्कर्म करता रहा। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 376, 323, 506, 45, पास्को एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर जांच कर रही है। बता दें, एक तरफ सरकार दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाकर दोषियों को कड़ी सजा सुना रही है, वहीं दूसरी ओर कड़े कानून के बावजूद दुष्कर्म की घटनाएं कम नहीं हो पा रही है। हर खबर पर डालें अपनी नजर, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।